Hello guys, welcome to Mechanical Listen Up. Please subscribe my channel for development type of videos. और गाइज मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए. हर एक जो सोशल मीडिया हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है उस जगह में हम लोग को फॉलो कीजिए. तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता न्यू टाउन के बारे में. आज यार बंगाल न्यूज़ नहीं है, आज हम दिखाएंगे कोलकाता न्यू टाउन एरिया में आने वाला है एक बिग प्रोजेक्ट जो उसका कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है. वो है ऑर्बिट ग्रुप का उर्बन प्रोजेक्ट. तो जो उर्बन पार्क है ऑर्बिट ग्रुप का, ये बहुत ही फेमस हो रहा है अभी. अभी इसका जो प्रोजेक्ट है वो न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में हो रहा है, जिस जगह में सिलिकॉन वैली हब है उस जगह में ही हो रहा है. इसका आसपास में TCS कॉग्निजेंट आपका जो उधर में DLF पार्क है, DLF आर्टी पार्क बोल सकते हैं, आपका जो कैंडोट एक्सप्रेस में वो भी पड़ता है. तो अभी ये वीडियो में देख ही सकते हैं ये जो आपका उर्बन आईटी पार्क है इसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही होगा. तो कमर्शियल के लिए 2 टावर्स होगा 12 फ्लोर का और रेसिडेंशियल के लिए 23 फ्लोर का टावर्स होगा, जिसमें आपका हर एक कमर्शियल और बिजनेस पर्सेस हर चीज़ होगा. आप देख ही सकते कितना स्टार्निंग इसका व्यू है. और ये हो जाने से कोलकाता का जो न्यू टाउन एरिया में जो डेवलपमेंट का फेज है वो बहुत ही स्पीड में होगा. और इसका आसपास रेसिडेंशियल और जो कमर्शियल बिल्डिंग है, आप लोग जानते हैं कोलकाता न्यू टाउन में अभी का टाइम में बहुत ही जल्दी से बहुत ही डिमांड आ रहा है ऑफिस स्पेस के लिए. और इसका आसपास में ऑलरेडी जो आपका जो मैनिक असरोना बिल्डिंग है उसका जो ऑफिस स्पेस है उसका उसमें इंफोसिस बहुत ही जल्दी आपका ऑपरेशन स्टार्ट कर भी चुका है. तो इस जगह में भी बहुत ही जल्दी बहुत ही डिमांड आने वाला है. तो हम उस जगह का ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेके आया है, किस जगह में ये आपका जो पार्क बन रहा है उसका हम वीडियो में दिखाएंगे. तो वीडियो अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए. तो नेक्स्ट जेन रियलिटी का तरफ से आपके सामने पेश कर रहा है आपका जो ये है न्यू टाउन एक्शन एरिया 3. इस जगह में आप लोग वीडियो में जो देख सकते हैं वो है कैंडोट एक्सप्रेस. कैंडोट एक्सप्रेस का बाद आपका आ रहा है DLF IT पार्क. ये कैंडोट एक्सप्रेस का अंदर में कॉग्निजेंट, कैपजिमिनी, आपका TCS, डिफरेंट टाइप ऑफ IT ऑफिसेस का एक ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इधर में काम करता है. उसके बाद आपका वीडियो में जो एक्शन एरिया 3 का और एक बिग आईटी पार्क आपका सामने आज आ रहा है वो है आपका DLF आईटी पार्क 2. इस जगह में ब्रिटिश टेलीकॉम का ऑफिस है, जेन पैक्ट का ऑफिस है और कुछ डिफरेंट आईटी कंपनीज का भी ऑफिस है. ये भी ऑफिस स्पेस बहुत ही है. इनसेट में आप देख ही सकते हैं उर्बन आईटी पार्क. अभी जो स्पेस आ रहा है वो है उर्बन आईटी पार्क ऑर्बिट का, ठीक है. इस जगह में ही आपका डेवलप्ड होगा, इस जगह में ही आपका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है. आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं पीछे जो एरिया आप लोग देख सकते हैं इस जगह में ही होगा अर्बन आईटी पार्क ऑर्बिट का. तो आप देख सकते हैं इस जगह में इतना बड़ा एक मॉल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल जो टावर्स होगा, टोटल 3 टावर्स होगा, एक रेसिडेंशियल के लिए और 2 होगा कमर्शियल के लिए. तो इस जगह में जो होगा उससे इस जगह में ऑफिस स्पेस का डिमांड तो फुलफिल होगा ही. और मॉल हो जाने से दूसरा टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस जगह में होगा. पीछे में जो आप लोग बैनर देख रहा है, जो आपका स्पेस देख रहा है, उस जगह में पूरा आपका ये बिग प्रोजेक्ट होगा. ये कोलकाता का और न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा. इसका आसपास में बहुत ही आईटी पार्क ऑलरेडी सिचुएटेड है, इसका आसपास इको स्पेस भी है. तो आप लोग देख ही सकते हैं पीछे का जो जमीन देख रहा है, इस जगह में कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी चल रहा है. आप लोग क्रेन भी देख सकते हैं, बिग बैनर भी देख सकते हैं. इस जगह में आपका आ रहा है अर्बन ऑर्बिट पार्क. तो कोलकाता का डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए. थैंक यू ऑल.